get your mouth. Hello guys. बोल तो आज एक कबड्डी का टूर्नामेंट गाइस, और देखिए ये टीम है हमारी सारी, सुबोध भी रेफरी है, गाइस मैं रेफरी हूं, आज हम खेलने वाले हैं, मेरा नाम मैं टीम में भी हूं, आदर्श रोड की टीम में हूं मैं। तो गाइस होल्ड करो कैमरा, सबसे पहले तो खो-खो का मैच हारने के बाद गाइस मैं रेफरी के लिए जा रहा हूं। तो अब अगले व्लॉगर होंगे यश। तो गाइस चलो गेम हारने के बाद अब हम चल रहे हैं दूसरे गेम हारने के लिए। कबड्डी की गाइस हमारी टीम। तो गाइस अभी हमारा है कबड्डी का मैच, उधर दिखा दीजिए आप डंडी कैमरा सीधा पकड़ना गाइस, पकड़। तो गाइस अभी हमारा कबड्डी का मैच, 6-7 टीम बन चुकी है, हमारी भी एक अलग टीम है, ये दूसरी टीम है और ये भी गाइस दूसरी टीम का कैप्टन, हम लोग गर्ल्स टीम वाले हैं, ये गर्ल्स टीम है एनसीसी की। ये एक न्यू खिलाड़ी आए हैं विपुल, बस अभी अभी आए हैं, विपुल से हाय टू एवरीवन। गाइस पनौती हमारी टीम में, पनौती जिन्होंने खोखो का मैच हराया था भाई, मैं इससे मेरी गलती नहीं है, मैच हराया गाइस, पंछी मनु उड़ती फिरूं मस्त गगन में, ये है मुन्ना हमारे रेफरी हैं जो सारी टीम को लीड करेंगे। दूसरे जिनके खुद टांग टूटी हुई वो क्या खेले, गर्ल्स का मैच जरूर देखना गाइस, बहुत मजा आने वाला है गर्ल्स के मैच में। हम लोग टीम में चार थप्पड़ थप्पड़ गाली गोलियां बहुत मस्त चलेगी, जो भी होगा हम आपको स्टे ट्यून गाइस सारे दिखाएंगे हम आपको व्लॉग में। फाइनल मैच होगा, कोई बाय नहीं, कोई कुछ नहीं, बाय कुछ नहीं, दो ही टीम है और एक हमारी और। गाइस मेरी एक टांग टूटी हुई है और मैं नेशनल हॉकी का प्लेयर हूँ, आपको कबड्डी कोर्ट दिखाते हैं, आ जाओ गाइस, ये है कबड्डी का कोर्ट पूरा, दिखा दीजिए सारा, दिखा दिए उधर, और ये भाई हमारी सारी टीम्स खड़ी है, ये हमारी टीम के कैप्टन आदर्श, ट्राई कर दो ये इधर सारे, पहले गर्ल्स का वो जूम करके दिखा दो, और गर्ल्स की टीम है, गर्ल्स की टीम है, और एक ये एनसीसी की गर्ल्स की टीम है, और ये राघव है हमारे भाई दूसरी टीम के, राघव भाई टीम में, दूसरी टीम में। तो राघव क्या बोलना चाहोगे आप? कुछ नहीं भाई, हमें तो मैं हरा के बहुत अच्छा लगेगा, कुछ नहीं, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ यार, अभी देख सकता है कौन जीतेगा। 1 hour later ये आज हम लोग पूरा टोटका वगैरह कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार हम हार गए, तो इस बार हमने सोचा तंत्र मंत्र की शक्तियों से हम जीत सकते हैं, चले पिछे को, और ये हमारे गाइस ये देखो हमारा तंत्र मंत्र, अरे यहाँ मार लेना तंत्र मंत्र ले गाइस, जीरो गाड़ा गाइस, ये रही हमारी टीम, हमारी नहीं एनसीसी की टीम है, एनसीसी वालों की टीम गाइस। गाइस अब ये देखो यहाँ पे गर्ल्स का मैच होने वाला है, खो खो का जो बीएड वाली टीम है वो इन्हें धो के पटकेगी, इनके बस का नहीं है यार, तुम्हें नहीं यही हरा रहे, एक बार हाय कर दो, वे सारे हाय कर दो एक बार, ऑल द बेस्ट सबको। तो अब चलते हैं उधर वाली टीम के पास, उधर वाली टीम चलो चलो चलो, ये वाली टीम बना रही है स्ट्रेटेजी, तुम्हारा मैच है, हाय कर दो एक बार व्लॉग में, मुझे भी नहीं लगा व्लॉग में। हेलो गाइस थोड़ा नीचे कर कैमरा हाइट छोटे, पत्थर चुकते हुए गाइस सब इसे पीछे रख दे गाइस, यहाँ पे इतने ज्यादा कंकर और वो क्या बोलते हैं मट्टी बजरी, बजरी उन्हें चुकते हुए यही, मतलब यहाँ की टीम ही कोई बात नहीं। कौन सी टीम है वो भाई? हमारी टीम हेमंत, और भाई हमारी टीम का लौंडा। तो गाइस अब चलते हैं दूसरी वाली टीम के पास, व्लॉग में आओगे तुम? मेरी ये तो पूरा सपोर्ट करती है, चाहे ये हारे जीते कुछ होए, ये देखो हाथ टूटा पड़ा है, टूटा पड़ा है, और ये देखो अपनी पट्टी खोल दी निकाल के, अभी खेलेगी, चलिए पूरे अच्छी तरह से हम खेल ले, अपनी चोटी का बना लिया, और बालों की तो ऐसी तैसी हो चुकी है, शक्ल की तो पहले ऐसी तैसी,
चलो गाइस अब इनका मैच चलेगा, उसके बाद हम आपको देंगे कमेंट्री। डिमोटिवेट मत करो, ऑल द बेस्ट बोलने आए हैं इसमें। चलो हम बिल्कुल शेयर करेंगे यार, पर तुम्हें नहीं उन्हें, दुनिया उन्हें खुशी और मैं तो बहुत बड़े दुश्मन। मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही इसको, बिल्कुल इसके अपोजिशन में हूं। हम तो दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं गाइस, दूसरी टीम को खुला सपोर्ट नहीं, क्योंकि हमें पता है वो ही जीतते की गाइस, ये जीतेंगे ही नहीं, इनकी टीम में सारे गोचू गोचू से हैं। चलो वहाँ चलते हैं गाइस, उन लोगों से पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, कबड्डी मैच हो रहा है जैसे। अच्छा भैया चल रहा है भैया, तो भाई कबड्डी मैच हो रहा है, क्या लग रहा है भाई? देखते हैं भाई, देख सिखाया तो है दो तीन दिन से, जीतने के आसार लग रहे हैं। कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो? हमनी हाँ, मैं भी सपोर्ट कर रहे हो दोनों? हम एनसीसी वाली टीम। कौन सी वाली? यही वाली, बस देख ले भाई जो भी है। चलो यही है जो भी है गाइस, इनके कोच से हमने आपको भी मिलवाया है, ये एनसीसी टीम के कोच थे जिन्होंने एनसीसी टीम को पूरा ट्रेन किया है। अब वो बताती है कि उसने कैसे खेलती है, वो पता चलेगा। तो गाइस ये हमारी टीम का कप्तान भाई, मैच हो रहा है, क्या कहना चाहेगा भाई? सब बढ़िया करोगे? हाँ भाई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? जैसे तो भाई ऐसे कबड्डी का मैच हो रहा है, क्या फील है, किसकी तरफ ज्यादा जा रहा है? फील तो बहुत बढ़िया, पर मैच शुरू होने से पहले यहाँ पत्थर चूक रहे मैच देखने के लिए नहीं है, ये लड़की को ताड़ने के लिए मेन बात ये है। भाई जट, जट मैच हो रहा है, क्या कहना चाहेगा? गाइस मैच हो रहा है, तो हम गर्ल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कौन सी सपोर्ट कर रहे हो, किसको कर रहे हो? तो हम रिया को सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ ये अपनी, इसे अपनी ये रिया पस बोल को हम सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ सलोनी को सपोर्ट, यशी को सपोर्ट और रितु को। तो बहुत मजा आ रहा है, सुबोध चुके हैं हमारे साथ। तो गाइस मिलते हैं आपको, आप दिखाएंगे आपको कमेंट्री और उसके बाद ब्लॉग, ठीक है गाइस? तो गाइस मैच स्टार्ट हो गया है और अब ये मुन्ना सिटी बजाएगा। पहले रेडर है हमारे रितु, हाँ चल जा रितु, ऑल द बेस्ट। और ये रितु गाइस रेड मारने चली गई है गाइस, और ये रेड मार रही है। बोनस लाइन टच कर, टच कर बोनस लाइन, निकल ले निकल ले। दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया है दोस्तों, एक पॉइंट रितु की टीम को और एक पॉइंट उनकी टीम को। और ये मैच बहुत रोमांचक होने वाला है मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरह वो लड़कियां खेल रही है दूसरी टीम की, और ये भी ठीक ठाक ही खेल रही है, पर वो ज्यादा खतरनाक लग रही है मुझे टीम। ये देखो गाइस एनसीसी टीम की एक लड़की गई है वहाँ पे, वो पूरे जोर से लगाना चाहती है कि कप्तान है। और देखिए कैसे रेड मार रही है गाइस, फुटवर्क देखो, ये देखो देखो गाइस पकड़ लिया, ये आउट हो गई, ये तो धुएं चटा दिया बिल्कुल, उन्हें बाहर कर दिया, आउट हो गई वो। बहुत अच्छा खेला इनकी रेडर ने, पर डिफेंस उनका बहुत तगड़ा। मेरे को लग रहा है कि एनसीसी टीम हार जाएगी गाइस, जिस हिसाब से वो खेल रही है। उंगली टूट गई क्या? उंगली टूट गई क्या? एक प्लेयर इंजर्ड हो चुका है और उंगली टूट गई है उसकी। एक लड़की की उंगली टूट गई है कबड्डी खेलते हुए, ये क्या हो गया गाइस? उंगली में लग गई है, ताबड़ तोड़ चोट लग चुकी है। कबड्डी तो ऐसा गेम है गाइस, कबड्डी में तो चोट लग रही है। सब्स्टिट्यूट कर दो ना, एक्स्ट्रा नया कोई उंगली में ज्यादा तेज लगी शायद, लिगामेंट में हो गया कुछ, लिगामेंट में हो गया कुछ भाई, सोच रही वो भाई सब्स्टिट्यूट कर दे, लिगामेंट में हुआ है, लिगामेंट में हुआ है कुछ, लिगामेंट स्ट्रेट रखना उसको, स्ट्रेट रखना। कोई बात नहीं, चलो चोट तो लगती रहती है, कोई बात नहीं, कबड्डी है यार, कबड्डी में तो गांव में यार फेंक के मारते हैं बच्चों को। तो आज कबड्डी का मैच चल रहा है, क्या कहने जाओगे भाई? बढ़िया मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जैसे उस लड़की की उंगली टूट गई, क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आराम से खेलो, देख के सेफ, ये कबड्डी का गेम है, इसमें आराम से कहाँ खेला जाता है, नहीं सेफ रख के खेलो ना अपने आप। हाँ ये भी है, उस बेचारी की उंगली टूट गई, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं प्लेयर कैसा खेलते हैं, कैसा नहीं। एम्बुलेंस खड़ी करवा रहा, किसलिए? अगर किसी की हालत ज्यादा खराब हो तो उसको तुरंत ही हॉस्पिटल भेज दिया। किरण जीत गए तुम? नहीं सर। कितने पॉइंट से आ रहे हो? बहुत सारे,
कोई बात नहीं यार, बढ़िया खेले यार, तुम बढ़िया खेले यार, ऑल द बेस्ट, बढ़िया बढ़िया। मैम ने जो पटका उसको बड़ा अच्छा लगा। शुरू में अगर यशवी उसको ना पकड़ दे ऑल आउट हो जाते थे, उसने मेंबर अंदर कर लेते, फिर उसके बाद फिर रितु ने अच्छी रेड मारी। यशवी ऑल द बेस्ट, बढ़िया खेली यार तू, बढ़िया तब तू कबाड़ खेली, तुझे नहीं हट, सारे बढ़िया खेले भाई, बढ़िया सलून तो और बढ़िया खेली यार, कोई बात नहीं। तो भाई यश तेरा मैच है, और जैसे कि अभी चूना लगा रहे हैं, हमारी टीम, हमारी अपोनेंट टीम बहुत खतरनाक है मैंने ऐसे सुना है, और हमारी टीम तो बिल्कुल कच्चड़ है, पर कोई बात नहीं यार, इन्जॉयमेंट के लिए होता है गेम, ऐसे वैसे तो होता नहीं, पर कोई बात नहीं, बढ़िया खेलेंगे, अपनी तरफ से 100% देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गाइस हम बहुत बुरा हारने वाले हैं, मैंने टीम बहुत भयंकर बनाई है, अब तुम देख के हंस जाओगे, हमारे साथ मैच है, इनके साथ मैच है गाइस, अपोनेंट टीम बताएं, अपोनेंट टीम बताएं, बलवान लपेट देगी ना, भाई की पेट देगी, भाई की पेट देगी, लपेट देगा शेर, ब्लॉग शेर, ब्रांडिंग आ शेर बुला पहले, हां जी जल्दी ब्लॉग में, ब्लॉग में। तो भाई ये हमारे तीन सीनियर्स थर्ड ईयर के, ये तो फर्स्ट ईयर का, तू हट सामने से, तो बॉडी दिखा दो शेर एक बार, बॉडी नहीं है, इधर देख मैच कब है भाई तेरा, मैच पता नहीं भाई, बाई ले लिया हमने, बाई ले रखी है, शेरों को बाई मिल गई, बाई शेक वाल बिफोर यू, गाइस तो अब हमारी टीम के यश जा चुके हैं वहाँ पर कबड्डी में, हम देखते हैं वो जीत पाते हैं नहीं। फिर से हमारी एनसीसी की टीम ने तो हजू परफॉर्मेंस दी है, बट अपोजिशन टीम ने उन्हें धुएं चटा दिए हैं, और हम जीत चुके हैं वैसे तो, हाँ ये अपनी जीत खुद ही मान रहे हैं, वैसे जीते नहीं है, अपोजिशन टीम जीती है, बट ये अपनी जीत मान रहे हैं, कोई नहीं अभी। और अभी हमारे डोरेमोन फेवरेट स्टार जो हमारे ब्लॉगर है उनका मैच चल रहा है, कैमरा मूव कर, कैमरा यहाँ पर। गाइस हमारी टीम का मैच स्टार्ट हो गया, और ये देखिए क्या हुआ गाइस, ये देखो यहाँ पे लड़ाई बच गई है, मुझे लगा है कुछ पंगा हो गया है, ये पॉइंट्स हैं पॉइंट्स नहीं है कुछ पता नहीं है, हमारे एचओडी तनवीर आलम आ चुके हैं, वो जज करेंगे कि क्या है पॉइंट क्या नहीं, ये फालतू के लोग बीच में घुस रहे हैं उनके मैच के, इनका कोई अता पता नहीं है बट घुस रहे हैं, ये हमारे रेफरी साहब सुबोध और मुन्ना, ये स्टार्ट हो गया मैच, ये आ गए हैं राइड के लिए, ये हमारे प्यारे यश होता है, पीछे हो जाओ तुम्हारे मुंह पे, यू तो बाहर से खेल रहा है, गाइस अब देखते हैं, ये मल्टी मार दिया, ये होता है देखो मैच गाइस, जो बॉयज खेल रहे हैं, ये सुबह ही सुबह टीम बनी है गाइस, ऑन द स्पॉट टीम है, सारे काम ऑन द स्पॉट ही, हाँ जैसे हमारी खो खो की टीम ऑन द स्पॉट बनी थी, ये भी ऑन द स्पॉट है, अब देखते हैं, ये देखो गाइस वो कितनी आसानी से पॉइंट्स लेके चला गया और इनसे रोका भी नहीं गया, ये देखो गाइस ये हमारे वाजिद जाते हुए पॉइंट्स चुराने के लिए, बट देखते हैं ब्लॉगिंग चैनल है वाजिद राइडर, अब देखो वाजिद पॉइंट लेना चाहते हैं, देख पाते हैं वो पॉइंट ले पाते हैं नहीं, अभी देखते हैं, मुझे तो लग रहा है ये टीम हार चुकी है पहले, क्योंकि उस टीम में दासू दासू बंदे हैं ऐसे, अभी तक वाजिद लाइन तक भी नहीं गया, जिस लाइन से टच करके आना इम्पोर्टेंट होता है, अब उसने टच किया लाइन, अब देखते हैं वो पॉइंट्स ले पाता है नहीं, ले गया वाजिद, वाजिद भी आउट हो गया गाइस, अब सिर्फ तीन बंदे बचे हैं, ये गए हैं कैप्टन साहब, ये देखो 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 गाइस ले गए पॉइंट, ये देखो गाइस एक आउट करके चलाना पड़ा, आ गए हैं देखो दूसरी टीम से, अब देखो गाइस कैसे होता है, अभी नहीं गाइस देखो वो ले गए हैं पॉइंट और इनसे कुछ भी नहीं हुआ, वो इतनी आसानी से पॉइंट लेते जा रहे हैं और बट ये देखते जा रहे हैं, वो देखो हमारे दो एचओडी खड़े हैं,
ये हमारी टीम को देखते हुए कि कौन सी टीम बेहतर खेल रही है कौन सी नहीं। ये हमारे रेफरी मुन्ना, ये सुबोध, ये बॉल गया गाइस और ये आउट हो गया, ये बोलने से आउट हो गया। देखिए दोस्तों, जहाँ बोलना चाहिए वहाँ तो ये बोलते नहीं, और जहाँ बकवास, जहाँ बिल्कुल मैंने बोलने के लिए वहाँ जहाँ इन्हें बोलना होता है वहाँ ये यहाँ पर वहाँ पर ये लोग बोलते नहीं है। गाइस ये देखिए पोजीशन, टीम इतनी धांसु टीम हो चुकी है, वो पॉइंट्स पे पॉइंट लेती जा रही है। देखो अगर सुकुना को उसकी सारी ताकत मिल गई तो उससे लड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो अब हार जाओगी, हो ही नहीं सकता। अहंकार अंधा कर देता है। देखो यहाँ पे पॉइंट्स ले पाता है नहीं, ये तो पॉइंट्स लेके चला गया गाइस बहुत ही आसानी के साथ। यहाँ पे तो गाना बजना चाहिए, ले जाएंगे हम तो पॉइंट्स लेके चले जाएंगे। इन्होंने सोचा कि ये वाली टीम कुछ नहीं कर सकती, ये टीम कर सकती है, इसमें अभी भी जोश है गाइस। चाहे गेम कोई भी जीते हमारे ब्लॉग खेल रही है पूरे। अब मेरे को जैसे तो दोस्तों गेम कोई भी जीते, आप हमें दिए बहुत सारे लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब करें, हमारे प्लेयर ब्लॉग को। गाइस अब हमारी टीम में एक प्लेयर और आ चुके हैं जो है जट। हमें होप है कि जट अच्छे से जीत पाएंगे और ये पॉइंट्स ले गए। और ये हमारे प्यारे डोरेमोन ने डायरेक्ट इसके पैर में पंच मारा और हमारे जट ने आते ही पॉइंट ले लिया। और ये जट क्या जट इन तीनों को लेके जाएगा गाइस, पॉइंट लेके जाएगा। ये क्या हुआ रिया, जैसे हमारे प्लेयर से उम्मीद की उन्होंने बिल्कुल वैसे हक दिया। और यहाँ पे साउंड ही साउंड होता हुआ गाइस, गेम खेलने देखने में क्या इंटरेस्ट आ रहा है? कुछ नहीं, इनको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा गाइस। मजा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं मजा आ रहा आपको? क्योंकि वैभव नहीं खेल रहा, कितनी बुरी मौत मर रही है। हाँ, उनका 18 और 9 के बीच में बहुत ज्यादा गैप है गाइस, जो वो कभी फिल नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर सकते। आपको होप है? अच्छा, हमको सिखा रहा है। आपको कैसा लगा विपुल, आपको कैसा लगा खेल के? फुल मजा। कैसे मतलब आपने इधर पॉइंट्स लिए? दो पॉइंट्स लिए विपुल ने, अभी ऑन द स्पॉट ये आए और ये दो पॉइंट्स लेके गए और इनको अच्छा भी लगा। नहीं गाइस, ये खुद ही बोलते हैं ये बहुत ही अच्छा बच्चा है। टीम हो चुकी है डिस्क्वालीफाई एंड हमारी टीम जीत चुकी है। ये देखिए, ये जो अभी अभी ऑन द स्पॉट आते हैं ना, वो जीत के जरूर जाते हैं गाइस। बाजी, आपको कैसा लगा खेलकर? मुझे विश्वास नहीं आता ऊपर की, बट फिर भी बाजी ने कर दिया। जट, आपको कैसा लगा खेलकर? कैसा लगा आपको खेलकर? ठीक ही लगा, अभी देखते हैं क्या रहता है, अगर वो बाहर का निकलता है तो और मजा आएगा खेलने में। हाँ, फिर इनका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हाँ, फिर पूरी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। हाँ, और फिर ये हमारा सौरभ, ये चेंजिंग पॉइंट हमारे बीच में, ये हमारे जट। गाइस, ये हमारी मैम है, इन्होंने हमको वो सिखाया कबड्डी और उस बदौलत हम हार रहे थे पर हम जीत गए क्योंकि डिस्क्वालीफाई हो चुकी है दूसरी टीम। सारे टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज, और बस बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म है यहाँ पर। बचपन से मेरे पास सीखने आता है, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म है, और जीतने वाले को बाजी कर कहते हैं। और वो मैम है, वो हमारे टीचर को सिखाते हैं पूरी फुल ट्रेनिंग। हम लोग 3-4 साल में साथ में अड़ोस पड़ोस में, काफी है, काफी है, काफी है मैम, बाय बहुत।
गाइस ये बैडमिंटन बढ़िया खेल लेफ्टी लेफ्टी तू भी लेफ्टी है ना ये भी लेफ्टी पर मैं जीती दोनों लेफ्ट बहुत ही अच्छा मैच है यस मैम एंजॉय करो सब ये ओके मैम बस इतना ही चलो बेस्ट विशेस मिल चुकी है मैम से तो गाइस देख सकते हैं जैसे कि बीएड वालों का मैच चल चुका है भाई क्या बोलना चाहोगे तुम हम बोल बहुत मजा आ रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है और भाई बीएड की रेडर है और ये पकड़ लिया ओहो कैसे पकड़ा है गाइस तकड़ा तकड़ा भाई पीछे जाओ भाई पीछे जाओ थोड़ा क्या बोलना चाहोगे भाई गाइस अभी बीएड की लड़कियों का बहुत अच्छा मैच चल रखा है यहां पे बीएड की और एनसी के जूनियर्स चलो कोई नहीं बढ़िया 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 रेड मारेंगे भाई अब रेड मारेंगे भाई आओ भाई अब रेड भाई रेड मारने चली गई है लड़की देखो भाई अब क्या भाई देखो कैसे बीएड वाली लड़की ने धूल चटा रखी है इनको और ये ओहो 30 सेकंड होने वाले हैं गाइस क्या ये मार पाएंगी रेड ये शादीशुदा लोग हैं और इन्हें पूरी चीजों का एक्सपीरियंस है जैसे कि देख सकते हैं ये शादीशुदा लोग हैं हल्ले मच गए दोस्तों हल्ले मच गए मैम आप किसकी तरफ हो ओके मैम ओके जैसे कि आप तुम्हारी टीम है बीएड वालों की तो तुम सपोर्ट कर रहे हो उनको पूरा हेलो गाइस देखो हमारा दोबारा से मैच शुरू हो चुका है जिसमें कि दोनों अपोजिट और जो हमारी टीम खेल रही है दोनों ही टीमों में हमारे प्लेयर्स हैं तो हमारी टीम का सेकंड मैच है और जो सेकंड मैच है वो भी हमारे ही टीम का बंदा है एक उसमें तो मैं आपको दिखाई कौन था चलो मुन्नी अंदर हमारे वो बाहर से जा रहा अंदर से ये पॉइंट ले पाएंगे नहीं लाइन में टच हुई अभी तो से ये बनाएगा इन पे प्रेशर यहाँ पर हमारी मुन्नी गुस्सा करते हुए ये मुन्नी गुस्से में थोड़ी सी दोनों टीम बहुत अच्छा खेल रही है पैर बच के क्या कर रहा है इसमें राघव जी हमारे पूरे गुस्से में ये देखिए आपने देखा होगा घमासान युद्ध जिसमें हमारा कैमरा भी फूटने वाला था लेकिन फिर भी हम लोग फुल टीम में खेल रहे हैं आप देखिए सीटी के बाप क्या हो तेरी सीटी के बाप ये देखिए आप देख सकते हैं तेरी सीटी के बाप क्या हो इस गाइस बटो से दबो लिया वो नहीं कर पाया पॉइंट हमारे डोरेमोन को देखो डोरेमोन डोरेमोन बहुत ही बिजी है आदर्श दोबारा आ गए हैं वो गेम में बहुत ज्यादा बिजी है क्योंकि उन्हें जीतना है हर गेम की तरह हमारी टीम ने इस गेम में भी हक दिया एंकल होल्ड किया मैंने उठा उठा के फेंका यस यस तुमने देखा होगा आप अपने अगर आप लोगों को इसका एंकल बुरा हुआ नहीं भी दिखेगा ना आप अपने गाइस ये जितना नहीं है ये पहले स्ट्रॉन्ग टीम के साथ गया हुआ था और ये ना पहले यही टीम जीतेगी इसलिए उसी टीम में गया तो जीतना तो ऑब्वियसली था ही इसको इसने कुछ नहीं किया गाइस हमारी हारी हुई टीम वापस आ गई हमारी हारी हुई टीम जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मैच पूरी तरीके से हार चुकी है हां कोई नहीं अगली बार भी खेलूंगा नेक्स्ट टाइम हमारी कोच साहब हमें फिर ट्रेनिंग देंगे हर बार अपना बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं पर नहीं पाते क्योंकि हम हक देते हैं ये हमारे डॉन आ गए हैं भाई भेजा ही नहीं वे रेड मारने और आप लोगों ने वीडियो में इनको प्यारा सा गाइस रेड पेंट देगा होगा गाइस रेड मारने क्यों भेजेंगे जब इसको आता ही नहीं था खेलने से तो फालतू में गाइस मुझे कल को रेड मारने देंगे अरे नहीं मारेंगे गाइस कुछ नहीं था क्योंकि ये प्रो टीम के साथ खेल रहे थे पहले से ही गाइस बोतल पहले भर के लाए थे इनके लिए कि ये बहुत थक गए हैं खड़े खड़े क्योंकि इन्हें खेले तो है नहीं है हम मैच पूरी तरह से हार चुके हैं ये
ये बंदा मैच जीत गया और ये भी पूरी शक्ल तो दिखा मैं भी जीत गया मैं भी भले ही मैच नहीं पर हम लोगों ने लोगों के दिल जीते हैं ब्लॉग डाल के। अरे मजा आ गया भाई, हार गए पर हारने का भी जीत का स्वाद आ रहा है पता नहीं क्यों। जीतने वाले खिलाड़ी को दिखाओ, जीतने वाले खिलाड़ी को दिखाओ। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस व्लॉग को दूर दूर तक पहुंचा दो। गाइज तो हमने आपको कबड्डी का सारा मैच दिखा दिया, हम लोगों ने आपको दिखाया कि कौन कौन सी टीम जीती कौन सी टीम हारी। तो हमारी टीम ने बहुत अच्छा प्ले किया और दूसरी टीम को बहुत अच्छी टक्कर दी, लेकिन जो हमारी अपोजिट टीम थी वो ना थोड़ी प्रो प्लेयर है तो उस फिर भी उन्होंने बहुत अच्छी टक्कर दी और एक पॉइंट से रह गए। बट हमने सब प्लेयर्स इंट्रोड्यूस किया जो वहाँ पे देख रहे थे कबड्डी का मैच, उन सबसे भी हमने आपको रिव्यू दिलवाया। तो आपको जैसा लगा आप कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इस व्लॉग को दूर दूर तक पहुंचा देना गाइस। बाय बाय गाइस।